क्वेश्चन 10.2 अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन टू द फ्लोर एंड कीप्स बाउंसिंग इज द मोशन ऑफ द बॉल सिंपल हार्मोनिक एक्सप्लेन जब किसी भी हाइट से बॉल को हम फेंकते हैं लेट सपोज दिस इज द हाइट और ये है हमारे पास ग्राउंड अगर यहाँ से बॉल को फेंकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ तो बॉल क्या बाउंस करेगा जब ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा तो क्या इसकी मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो आंसर है नो इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है कैसे नहीं है जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है तो जब बॉल ऊपर के ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वो नीचे की तरफ होती है ठीक है आपने सिंपल पेंडुलम में देखा होगा पहले मैं सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल समझाता हूँ ये सिंपल पेंडुलम था जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके जाते थे एक्सट्रीम पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट मूव करता था इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मूव करता था अब बॉल की डायरेक्शन जब इस तरफ होती थी यहाँ पे बॉल होता था उस पर कौन सा फोर्स लग रहा होता था अपोजिट साइड में रिस्टोरिंग फोर्स क्योंकि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे जाता है तो उसको टूवर्ड्स द मीन पोजिशन एक फोर्स लग रहा होता है दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे हमेशा मीन पोजिशन की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होता है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट होता है लेकिन यहाँ पे क्या है जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो इसके अपोजिट में रिस्टोरिंग फोर्स कोई भी नहीं लग रहा तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे फेल्यूर हो जाती है कि डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट कोई भी यहाँ पे फोर्स एक्ट नहीं हो रहा सो दैट इज वाई दिस इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ठीक है सेकेंड कंडीशन क्या है सेकेंड कंडीशन से ये प्रूव होता है कि जब हम यहाँ से मीन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन पे जाते हैं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाती है एक्सट्रीम पे जब एक्सट्रीम से मीन पोजिशन की तरफ आते हैं तो एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएंगे तो एक्सेलरेशन कम होती जाएगी और जब मीन पोजिशन पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी इसका मतलब कि एक्सेलरेशन इस मोशन में क्या होती है चेंज होती रहती है लेकिन जो बाउंसिंग बॉल है इसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो जस्ट कौन सी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जो कॉन्स्टेंट रहती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जहाँ तक बॉल यहाँ से वाइब्रेट करता है या बाउंस करता रहता है वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट रहती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन वेरी करती है चेंज होती है लेकिन इस बाउंसिंग बॉल वाली कंडीशन में एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही सो सेकेंड रीज़न ये था कि एक्सेलरेशन यहाँ पे चेंज नहीं हो रही बल्कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन चेंज होती है पॉइंट टू पॉइंट सो इसी वजह से ये जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता तो यहाँ पे मैंने आपको दो रीज़न बता दिए एक कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में कोई भी यहाँ पे फोर्स एक्ट नहीं हो रहा सो दैट इज़ वाई दिस इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट एक्सेलरेशन विल चेंज इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन बट इन दिस सिचुएशन इन बाउंसिंग बॉल सिचुएशन द एक्सेलरेशन विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट सो दैट इज वाई द मोशन ऑफ बॉल वेन इट बाउंसिंग फ्रॉम द सम हाइट टू द ग्राउंड सो इट इज़ नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन जब किसी भी हाइट से लेके बॉल अर्थ से या ग्राउंड से टकराएगा तो इसमें जो जिसमें जो बाउंसिंग होगी उस वो जो बाउंसिंग होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 10.2